तो गाइस सबसे पहली बात तो देखो, हम जिन सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक क्या कस्टमर की एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, और डिस्ट्रीब्यूटर बोलो, हम अगर रिटेलर है तो डिस्ट्रीब्यूटर पैसा देंगे, हम अगर एक एजेंट है तो भी डिस्ट्रीब्यूटर ऊपर में जो भी होगा जिसके अंडर पे हम मतलब एजेंट बने हैं या रिटेलर बने हैं वो ऊपर से पैसा देंगे कि भाई तुम एमएनपी नहीं करो, एमएनपी करो, एक्टिवेशन करो, बट आप किस तरह से ये सब फिर आराम से एक्टिवेशन कर सकते हो, आराम से बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एमएनपी कर सकते हो। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो जो है अभी जो सिम सेलिंग बिजनेस का जिस टाइप का हालात है, इसमें आप लोग नॉर्मल अगर सिम सेलिंग का बिजनेस करोगे, जैसे बहुत पुराना टाइम से होते आए हैं कि आप दुकान में बैठे हो, आपके पास कस्टमर जिनका सिम कार्ड का जरूरत है वो आपके पास आएंगे और सिम कार्ड लेकर जाएंगे, या उसका कुछ प्रॉब्लम है तो पोर्ट करने के लिए आपके दुकान पर आएंगे, पोर्ट करके जाएंगे। बट ऐसे कस्टमर आपको नहीं आएंगे, ये नहीं बताऊंगा, जिसका जरूरत होगा वो तो आएंगे, बट ऐसे कस्टमर बहुत ही कम आएंगे। बट उस कस्टमर को अगर आप एक बेहतरीन से बेहतरीन ऑफर प्रोवाइड करोगे तो वो कस्टमर ना चाहे भी आपके पास आना उनको पड़ेगा। क्यों, मैं आप लोगों को डिटेल्स पर समझ अच्छे तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 साल से मैं सिम सेलिंग का काम कर रहा हूँ और इसके एक्सपीरियंस मेरे को बहुत ज्यादा, जो मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों देखो क्या है, आपको ऑफर अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ऑफर कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए आपको एक कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा। अब कस्टमर बेस बनाने का जो सबसे आसान तरीका अभी के टाइम का है वो है मेन जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा, जिस पर जो भी कस्टमर आपके दुकान पर आएंगे, सिम कार्ड ले जाएंगे या अदर्स कोई सर्विस आपका दुकान का इस्तेमाल करेंगे या कुछ बाय करेंगे, उसको आपने ग्रुप पर ऐड करते जाओ। इस टाइप से आप एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करो, एक फेसबुक पेज तैयार करो, और जिस दिन भी आपको कोई ऑफर मिलेगा या आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ मान लो, या कुछ भी आपके दुकान पर एक्सक्लूसिव आया है, तो आपको एक बैनर तैयार करना पड़ेगा, जो कि आप पिक्सल जो ऐप है उस ऐप के थ्रू आप आराम से तैयार कर सकते हो कि इस डेट ये ऑफर है, और उसको आपने ग्रुप पर, फेसबुक पेज पर, आपने स्टोरी वगैरह फेसबुक पर अच्छे तरीके से डाल दो। तो यहाँ पर क्या है, जो ऑफर आपने दिया वो आपने कस्टमर के पास में चुटकी में चला गया और कस्टमर को पता चल गया हाँ इस डेट में इसके पास ये ऑफर है, तो हम जाके इस ऑफर को ले सकते हैं। आप बहुत सारे जो रिटेलर होते हैं, उनका न्यू रिटेलर होते हैं बेसिकली, उनको समझ में नहीं आती कि भाई ऑफर हमें कैसे मिलेगा। देखो ऑफर जो होता है इसमें देखो एयरटेल, वीआई एंड जियो, इन तीनों के तरफ से अच्छा खासा ऑफर निकल जाती है। ऑफर जो देती है वो डिस्ट्रीब्यूटर, आप अगर रिटेलर हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर प्रोवाइड करेंगे, आप अगर एजेंट बने हो तो एजेंट के तरफ ही ऑफर बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफर मिलते हैं। तो उस ऑफर को आपने कस्टमर को अच्छे तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है, तो आप हमारे पास आके पोर्ट कर सकते हो या हमारे पास आके न्यू सिम ले सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल मेरे दे देता हूँ, देखो मेरे एक ग्रुप है जो हमने दुकान के नाम पर ग्रुप है, और दुकान में जब भी मुझे वीआई के तरफ से अच्छा खासा ऑफर देखने को मिलते हैं कि 5000 रुपए पर सिम न्यू सिम, तो मैं उस ग्रुप पर पोस्ट कर देता हूँ, फेसबुक पर पोस्ट कर देता हूँ, उसके बाद जो भी कस्टमर मेरे है वो सब कुछ देखते, और वो भी उनका जो भी कोई दोस्त अगर सिम लेना चाहते हैं या पोर्ट करना उनको भी बताते, इस टाइप से मेरे पास कस्टमर आते। अब ऑफर के बाद जब हमने किया तो ऑफर डिस्ट्रीब्यूटर आपको प्रोवाइड करते, मान लो आपको एक न्यू सिम कार्ड, वीआई का एक न्यू सिम कार्ड आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास से बोला गया कि आपको आज के डेट पर जितने भी सिम एक्टिवेशन, आज मान लो 1 तारीख है, तो 1 तारीख को आप जितने भी सिम एक्टिवेशन करोगे आपको पर सिम 20 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर लेंगे आपके पास। आप एक न्यू रिटेलर हो, आपको ऑफर दिया गया कि आप जितने भी सिम सेल करोगे आपके पास से 20 रुपए काट के लिया जाएगा, और आप अपने कस्टमर के पास से आपके हिसाब से आप ले सकते हो। तो मान लो आपके 20 रुपए का आपके एक सिम कार्ड का खर्चा, 5 रुपए का सिम कार्ड, तो 25 रुपए का आपके एक सिम कार्ड का खर्चा है। आप अगर कस्टमर से 50 रुपए लोगे तो 25 रुपए का आपका डायरेक्ट प्रॉफिट बन गया। तो इस टाइप से कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा आप जब ऑफर प्रोवाइड करोगे तो कस्टमर के दिमाग में एक सवाल रहेगा, भाई न्यू सिम लेना है तो इनके पास से लेना है, सबसे सस्ता सिम कार्ड मिल जाता है। हालांकि सब चीजों पर ये सस्ता चीज काम नहीं करती, पर सिम कार्ड का भी जो हालात है वो इस तरह से आप लोगों अपने सिम कार्ड का जो बिजनेस है उसे आराम से ग्रो कर सकते हो। अगर एमएनपी का बात करें, देखो वीआई का एग्जांपल लेती, एक एमएनपी पर रिटेलर लोगों को बहुत अच्छा खासा ऑफर मिल जाती, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर उनके ग्रुप पर ऑफर पोस्ट करती कि आज के डेट पर जितने भी एमएनपी कार्ड हो पर एमएनपी आपको 150 रुपए 200 रुपए मिलेगा। तो अगर पर एमएनपी डिस्ट्रीब्यूटर आपको 150 से 200 रुपए दे रहे, तो उनमें से आप कुछ पैसे देख रहे हो, कुछ पैसे आप अपने जो जो कस्टमर है जो आपके पास आके कोट करे उसको कुछ गिफ्ट कर दो। कभी भी कैश डायरेक्ट बिल्कुल भी मत देना, उसको गिफ्ट के तौर पर पैसा देना,
जैसे एक अच्छे हेडफोन दे देना, एक कुछ जो सामान जो इस्तेमाल कर सकती इस टाइप का, उस सामान आप हमने जो कस्टमर है उनको अगर प्रोवाइड करोगे तो कस्टमर आपको जो ऑफर मिला है वो कभी भी भूलेगा नहीं, और जब भी उनको दोबारा कभी सोच में आएगा कि मुझे सिम कार्ड लेना है पोर्ट करना है तो आपके बारे में सोचेंगे और आपके पास भी आएंगे। बाकी की अगर कोई उसका दोस्त वगैरह भी है जो सोचेंगे, जो अगर उनको बोलेंगे कि हमें न्यू सिम का ज़रूरत है या पोर्ट करना ज़रूरत है, तो वो आपको पास ही रिकमेंड करेंगे। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। अब देखो, आप अगर एक रिटेलर हो, आप ज़्यादा सिम वगैरह सेल नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा ट्रिक से कि आप अपने अंदर एक दो साब एजेंट बना दो, जो कि एक दो बंदे को आप जोड़ दो, जिसमें उन लोगों को बोलो तो इस मार्केट में जाओ, तुम इस मार्केट में जाओ। बट मार्केट में जाने से पहले आप अच्छे से चेक करना, आप अगर वी आई का करो तो उस एरिया में क्या वी आई का नेटवर्क है या नहीं है, इसको अच्छे से चेक कर लो। अब चेक करने के बाद अगर देखो कि अच्छे नेटवर्क है तो उस एजेंट को वहाँ पर भेज देना, तुम बोल देना कि इस जगह पर जाके तो एक छतरी जो अम्ब्रेला मिल जाती है, उस अम्ब्रेला को लगा के आप एक पोस्टर लगा दो कि इतने रुपीज़ पर न्यू सिम या पोर्ट फ्री में, पोर्ट करने के साथ आपको ये हेडफोन फ्री मिलेगा। इस टाइप से करना, वहाँ पर जो भी प्रॉफिट बढ़ेगा, कुछ प्रॉफिट जो साब एजेंट बनाए जिनको उनको दे देना, कुछ प्रॉफिट आप आपके पास रखना। इसमें आपका सेल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपका इनकम भी बहुत बढ़िया। देखो, आप अगर दुकान में बैठे रहते हो तो आपको कुछ भी इनकम नहीं होती, बट बाहर जाओगे तो इनकम बनेगा ही बनेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड वन ऑफ मेरे लास्ट है, मैं जिनको सबसे ज़्यादा प्रेफर भी कर दूँ कि आपके पास जो भी कस्टमर आएंगे या आप भी कस्टमर के पास जाके कोई मार्केट में जाके एक्टिवेशन इवेंट भी अगर करते हो, उस कस्टमर को सिम सेल कर दो, तो उनके पास आपको जो बात करने का तरीका, आपके जो बिहेवियर है, वो एक बहुत लेवल में होना चाहिए, एक बहुत अच्छा होना चाहिए कि सामने वाले के लगे नहीं एक बहुत बड़े अच्छे दुकानदार है। हम जब भी कोई सामान परचेस करेंगे, कोई सर्विस इसका लेना चाहते तो इनके पास से हम ले। अब जब भी ऐसे उसका अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं नेटवर्क पर, उसे जितना आपके तरफ से हो जाए उसे सॉल्व कर दीजिए तुरंत। उसका जो फर्स्ट टाइम का नहीं रिचार्ज करना पड़े तो वो भी कर दीजिए। उसका सेम अगर वो नहीं डाल पा रहे तो उसको डाल दीजिए, नंबर निकल दे नंबर निकल के दीजिए। जितना हो सके अपने कस्टमर को हेल्प कीजिए, जिसमें दोबारा वो कस्टमर आपके पास मस्ट आए, रिटर्न मस्ट आए। क्योंकि जब तक कस्टमर रिटर्न नहीं आएंगे तब तक कोई ज़्यादा प्रॉफिट आप नहीं बना पाओगे इस सिम सेलिंग बिजनेस के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। पर देखो, सिम सेलिंग में हाँ ऑफर देना बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी के टाइम पर। अगर आप ऑफर प्रोवाइड नहीं करोगे तो आपके पास कोई MNP एक्टिवेशन करने के लिए नहीं आएंगे। ये एक सच्चाई बात है, मैंने खुद चेक किया है। और ऑफर में जो कैश कस्टमर को कभी भी मत देना, कस्टमर को एक गिफ्ट प्रोवाइड जरूर करना। जो भी आपको मिला है, जितने भी कमीशन मिला है, उसमें से कुछ आप लो, कुछ कस्टमर को दो, तो कस्टमर दोबारा आएगा। जो भी कस्टमर उनके आस पास रहेगा उसको भी आपके पास भेजेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गाइस, न्यू रिटेलर लोग, अगर आप न्यू रिटेलर बने हो तो मस्ट है जितने भी चीज़ मैंने आप लोगों को बोला उसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए, आराम से आपका बेनिफिट बनेगा, आपका सिम सेलिंग बढ़ेगा, आपका दुकान भी जॉब बहुत ही जल्द से जल्द ग्रो हो जाएगा, सिम सेलिंग बिजनेस भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। जब आपका एक बहुत अच्छा ग्रोथ हो जाए तब आप ज़्यादा ऑफर नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट न्यू रिटेलर ऑफर तो आपको देना पड़ेगा, तब आपका दुकान अच्छे से चलेगा, सिम सेलिंग बिजनेस भी अच्छे से चलेगा। कुछ भी दिक्कत आते जस्ट कमेंट कर दो, उसके बाद जितने भी हो सके मेरे तरफ से हेल्प आपको मिलेगा, रिप्लाई भी मिलेगा। बाकी आपका डिस्ट्रीब्यूटर तो बोलो कि ऑफर देने के लिए, देखो डिस्ट्रीब्यूटर का ग्रुप पर अगर आप नहीं हो तो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का ग्रुप पे ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको डेली टू डेली या हफ्ते में ऑफर आपको जरूर देखने को मिलेगा। जो भी ऑफर मिलेगा वो भी आप अपने कस्टमर के पास दो तो आपको जरूर एक अच्छा खासा इनकम होगा। तो थैंक यू, बाय बाय।